हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है टू टैप एचपीएस यूट्यूब चैनल पर और डेली करंट अफेयर्स का सेशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं 9th दिसंबर 2022 से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फटाफट से ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड कि जुड़ते जाओ सेशन के साथ, और अगर मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियरली ऑडिबल है, वीडियो क्लियरली विजिबल है, तो थम्स अप एक मुझे चैट बॉक्स के अंदर दे दो एंड देन वी कैन स्टार्ट अहेड विद द सेशन। राइट, जब तक आप लोगों के रिप्लाईज आ रहे हैं, सबसे पहले जो लास्ट डे का होमवर्क क्वेश्चन था उसको हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू अ रिसेंट अपॉइंटमेंट विच हैज बीन मेड। Who among the following has recently been appointed as the chairman of Oil and Natural Gas Corporation? इंडिया का जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, इसके चेयरमैन के तौर पे किसको अभी रिसेंटली नियुक्त किया गया है? विक्रम सचदेवा, अरुण कुमार सिंह, किशोर जयराम या नवल सादिग्राम ऑफ दी ONGC। और एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी किए हैं ONGC, जो कि एक भारत का बहुत इंपॉर्टेंट PSU है, इसके बोर्ड के ऊपर। तो कंसिडरेशन, जो चेयरमैन थे पहले तो ONGC के, उनको सेलेक्ट करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। उन्होंने रिकमेंड किया अरुण कुमार सिंह जी का नाम। अरुण कुमार सिंह जो है वो भारत पेट्रोलियम के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं और अब वो ONGC के चेयरमैन रहेंगे 3 सालों तक। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ONGC का, उसमें 2 नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, डायरेक्टर फॉर प्रोडक्शन एंड डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेटजी एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। दीज न्यू 2 डायरेक्टर्स हैव बीन एडेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ONGC। ONGC के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, भारत का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है ONGC। ठीक है, ONGC भारत का सबसे बड़ा, अगर हम पेट्रोलियम और रिफाइनरी के केसेस में देखें तो सबसे बड़ी भारत की कंपनी है, PSU है, महारत्ना का स्टेटस है। मार्केट कैप ONGC का जो है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट अमंग ऑल द PSUs इन इंडिया, और दुनिया में 4th नंबर पे आता है इंडिया की कंपनीज के अंदर अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉर्च्यून 500 लिस्ट। तो भारत की 4th सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के तौर पे ONGC को देखा जा सकता है। ठीक है, ONGC की बहुत सारी आपको सब्सिडियरीज भी देखने को मिलती हैं, जैसे ONGC के ओवरसीज अगर ऑपरेशंस की बात करें तो ONGC विदेश के बहुत सारे ऑपरेशंस आपको दूसरी कंट्रीज में भी देखने को मिलते हैं, जिसमें साउथ अमेरिका के अंदर भी हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं। रोहित, वेलकम टू द सेशन, वेरी गुड इवनिंग। ट्रिकी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। इसके अलावा रिफाइनरी बिजनेस में देखें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम सब्सिडरी है, मैंगलोर रिफाइनरी इसकी सब्सिडरी है। पाइपलाइन में पेट्रोनेट, जो कि पाइपलाइन का नेटवर्क भारत के अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा है, वो भी पेट्रोनेट का है, जो ONGC की सब्सिडरी है। ठीक है, इसके अलावा जॉइंट वेंचर्स इनके चलते रहते हैं। पावर के केस में अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस को यूज करके पावर जनरेट करना, सर्विसेज, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, हर अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर आप लोग देखोगे कि जो ONGC है उसके कुछ ना कुछ बिजनेस ऑपरेशंस चलते रहते हैं। राइट, तो ONGC एक महारत्न कंपनी है, एक इंपॉर्टेंट PSU है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी शुड बी नोइंग अबाउट ONGC। आगे बढ़ते हैं, आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली The 9th World Ayurveda Congress was organized at which of the following places? 9th World Ayurveda Congress कहां organize की जा रही है? हरिद्वार, लखनऊ, बेंगलोर या पणजी? So बताइए, what should be the right answer here? ठीक है, तो क्या यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए? 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हरिद्वार, लखनऊ, बेंगलोर, पणजी, कहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? ट्रिकी ने आंसर दिया है हरिद्वार, उनके हिसाब से 1 का आंसर होना चाहिए ए। राइट, ठीक है, सो करेक्ट आंसर्स का वेट है ट्रिकी, और आंसर इज नॉट करेक्ट, नॉट इंटायरली करेक्ट। हरिद्वार, लखनऊ, बेंगलोर, पणजी, करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, ट्रिकी का आंसर आया है। बाकी लोगों का आंसर कहां है भाई? देखो, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का 9th एडिशन होने जा रहा है गोवा की कैपिटल पणजी में। सो पणजी इज द सिटी वेयर दिस सेशन इज गोइंग टू बी हेल्ड, और ये 8 से 11 दिसंबर तक 4 दिन चलने वाली ये पूरी कॉन्क्लेव होगी, पूरी कॉन्फ्रेंस होगी। पणजी गोवा में इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। थीम है इसका आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। एम ऑब्वियस है कि हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहते हैं, खास तौर पर ग्लोबल स्केल पर लेकर जाना चाहते हैं, और बाकी कंट्रीज के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी, आयुर्वेदा से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेडिसिन हैं,
उनको जो है हम ज्यादा पॉपुलराइज करना चाहते हैं। और इस कांग्रेस के अंदर व्हाट वी आर आल्सो गोइंग टू डू इज वी आर मेकिंग वन प्लेटफॉर्म जहां पर आयुर्वेद को प्रैक्टिस करने वाले लोग, पेशेंट्स जो आयुर्वेद से लाभान्वित या बेनिफिट ले चुके हैं, इसके अलावा साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के जो स्कॉलर्स होते हैं जो मेडिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनको हम यहाँ पर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। अरुणा, योर आंसर इज विजिबल। ओके अरुणा, आई एम सॉरी आई डिडंट लखनऊ, वो मुझे आंसर लखनऊ दिखा, मुझे ऐसा लगा कि आपने कुछ और लिखा है, लखनऊ आप कहना चाह रहे, बट करेक्ट आंसर इज पणजी। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, आई वॉज नॉट एबल टू सी योर आंसर, बिकॉज अक्सर जो आंसर आते हैं वो नंबर के साथ ऑप्शन लिखा होता है, तो मेरी आदत वैसी बन गई है कि उसी को मैं आंसर देखता हूँ। ठीक है अरुणा, यस योर आंसर इज विजिबल, बट करेक्ट आंसर इज पणजी। और ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन। ये वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन एक प्राइवेट एसोसिएशन है, प्राइवेट ग्रुपिंग है, एनजीओ है, जो आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए काम करता है। लेकिन इस कांग्रेस को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जिसमें गोवा की गवर्नमेंट शामिल है, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। पहली ये जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस है वो 2002 में हुई थी कोची में। ठीक है, उसके बाद लगातार भारत के अलग अलग शहरों में इसके 8 एडिशन हो चुके हैं, 9वां एडिशन यहां पर हमारा चल रहा है। क्लियर है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। 2 स्टेटमेंट्स गिवन है यहां पर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में। भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, उनको लेकर के 2 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं आपको। स्टेटमेंट 1 है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड e-waste management rules 2022 which will be effective from 1st January 2023। भारत सरकार ने e-waste management rules 2022 नाम के rules बनाए हैं जो कि 1st January 2023 से enforce कर दिए जाएंगे। Under these new rules, provisions for environmental compensation and verification and audit has been introduced। इन न्यू रूल्स के अंदर एक नया प्रोविजन आया है जिसमें एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, जो कि ई वेस्ट पोल्यूशन से एनवायरमेंट को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने का प्रोविजन है, और ऑडिट और वेरिफिकेशन का भी प्रोविजन है। तो मुझे बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा यहां पे? रोहित का आंसर है ए, अरुणा का आंसर है ए, यानी बोथ, बोथ करेक्ट कह रहे हैं। शायद रोहित भी अरुणा भी ट्रिकी भी कह रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगी यहां पे, बट एक्चुअली बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट राइट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहली स्टेटमेंट में गड़बड़ है, पहले स्टेटमेंट में गड़बड़ क्या है कि ये जो नए रूल्स हैं ये 1st जनवरी 2023 से एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, दिस डेट दैट हैज बीन गिवन इज रॉन्ग, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है, करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, द फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। ध्यान से एक बार ये सारा आंसर आप पढ़ लो, ये जो रूल्स हैं ये रिप्लेस कर रहे हैं, 2016 में रूल्स आए थे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ये जो रूल्स थे 2016 से चल रहे थे, अब ये 2016 से जो रूल्स चल रहे हैं करंटली यही रूल्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं भारत के अंदर। लेकिन ये जो 2022 में नए रूल बनाए गए हैं ये 1st अप्रैल 2023 से लागू होंगे, 1st अप्रैल से लागू होंगे, ना कि 1st जनवरी से। ठीक है, 1st अप्रैल से, इसका मतलब जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर स्टार्ट होगा, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, वहां पर जाकर के ये रूल्स जो है वो चलने वाले हैं। अभी 1st जनवरी को भी ये जो पुराने रूल्स चलेंगे 2016 के वही एप्लीकेबल रहेंगे, तो इट इज 1st अप्रैल 2023 नॉट 1st जनवरी। इसके जो नए प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस भी मैंने यहां पर लिस्ट कर दिए, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मैं आपको बता देता हूं। पहले तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन की बात करें, दूसरे पॉल्यूशन की बात करें, तो जो भी प्रोड्यूसर है जो प्लास्टिक बना रहा है या प्लास्टिक को यूज कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के केस में भी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उससे जनरेट होने वाले वेस्ट को वो डिस्पोज ऑफ भी करेंगे। तो ऐसा ईपीआर का, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिजीम है वो लाया गया है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए भी। इसमें जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, रिफर्बिशर हैं, रिसाइक्लर हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेकर के उनको सीपीसीबी पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, और कोई भी ऐसी एंटिटी जो इस पोर्टल पे रजिस्टर नहीं है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा ऑपरेट करने के लिए। तो जितने भी मोबाइल फोन्स को बनाने वाले कंपनीज हैं, जितने भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बनाने वाली कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बनाने वाली कंपनीज हैं, उन सबको यहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ईईई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसके नंबर भी बढ़ा दिए हैं, अब ज्यादा कवरेज कर दी है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर आने वाले अप्लायंसेस हैं।
इसके अलावा ईपीआर सर्टिफिकेट इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस हैं रिसाइक्लिंग के लिए, ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से आपको रिसाइक्लिंग का जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी जो देखेगी कि सारे जो ये रूल्स हैं ये फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और हर ई प्रोड्यूसर को, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के प्रोड्यूसर को इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके प्रोडक्ट्स के अंदर मर्करी, लेड और दूसरे हैजार्डस सब्सटेंसेस जो हैं वो बिल्कुल कम मात्रा में हो, जो सीपीसीबी ने लिमिट्स सेट की हैं उससे ज्यादा लिमिट्स ना हो। अगर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर लेड, मर्करी जैसे सब्सटेंस उसकी लिमिट से ज्यादा पाए जाएंगे तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है, ये भी इस रूल के अंदर प्रोविजन दिया गया। ठीक है, तो अच्छे तरीके से गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है टू इन्फोर्स स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, स्ट्रिक्टर प्रोविजंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग फेमस स्पोर्ट्स पर्सन वॉज रिलीज इन अ ड्रामेटिक प्रिजनर एक्सचेंज बिटवीन यूएस एंड रशिया। अमेरिका और रशिया के बीच में अभी रिसेंटली एक प्रिजनर एक्सचेंज हुआ है, और इस प्रिजनर एक्सचेंज में अमेरिका की एक फेमस स्पोर्ट्स पर्सन, उनको रशिया ने छोड़ा और इसके बदले में अमेरिका ने रशिया के एक नोटोरियस आर्म्स डीलर को छोड़ दिया है। तो मुझे बताइए कौन सी यहां पर स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको रिलीज किया गया रशिया के द्वारा, सुबर्ट, टमिका कैचिंग्स, ब्रिटनी ग्राइनर या कारा वॉल्टर्स। सो यहां आंसर मुझे रोहित ने दिया थर्ड का सी, म्यूजिकल फील्ड ने भी आंसर दिया है सी, रोहित ने बास्केटबॉल प्लेयर कहा है, तो ब्रिटनी ग्रीनर अकॉर्डिंग टू रोहित कुमार इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दूसरा आंसर कोई बताना चाहता है? देखिए ब्रिटनी ग्रीनर जो है वो यूएस की प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है, राइट, यूएस की प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं। यूएस का जो WNBA होता है, विमेन्स नेशनल बास्केटबॉल का जो प्रोफेशनल टूर्नामेंट होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रही हैं वो, बहुत फेमस प्लेयर रही हैं वो। इसके अलावा यूएस की नेशनल बास्केटबॉल की जो टीम है उसकी भी पार्ट रही हैं, ठीक है, और वो 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। यूएस की जो बास्केटबॉल टीम है, विमेन बास्केटबॉल टीम है, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के टॉप टीम्स में से आती है और 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल को जीत चुकी है, और ऐसे दोनों ओकेजन पे जो ब्रिटनी ग्राइनर है वो उस टीम का हिस्सा रही है। तो शी इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एथलीट, और वो रशिया गई थी फरवरी 2022 में, रशिया की एक बास्केटबॉल लीग होती है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। वहां पर इनको अरेस्ट कर लिया गया था ड्रग चार्जेस के ऊपर, इनको जेल में डाल दिया गया, 9 साल की सजा सुनाई गई, 9 ईयर्स की कैद उनको सेंटेंस की गई, और इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। यूएस ने बोला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत चार्जेस लगे हैं, बहुत ज्यादा पनिशमेंट उनको दी जा रही है। तो रशिया ने बोला ठीक है हम छोड़ देंगे, इसके बदले में किसको छोड़ दो, इसके बदले में विक्टर बाउट, ये रशिया के एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, फॉर्मल मिलिट्री पर्सन भी है, और आर्म्स डीलर कहना चाहिए, आर्म्स ट्रेड में इनका इन्वॉल्वमेंट है। यूएस ने इनको गिरफ्तार किया था और इनको 20 साल से ज्यादा की इनको सजा सुनाई थी आर्म्स स्मगलिंग के केस में, और अब जाकर इनको रशिया के हाथों दे दिया गया, फ्री कर दिया गया, और उसके बदले में रशिया ने बास्केटबॉल प्लेयर को रिलीज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई कहानी। ऑलरेडी रशिया यूएस के जो रिलेशंस हैं दे वर नॉट गोइंग वेरी वेल बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, लेकिन इस वॉर की सिचुएशन में भी ये प्रिजनर एक्सचेंज जो है वो हो गया है। क्लियर है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। पेरू साउथ अमेरिकन कंट्री की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, मारिया एंटोनेटा अल्वा, दीना बोलुआर्ते, पैट्रिसिया वाल्बुएना या अनाही डुरान। सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। रिसेंटली पेरू के अंदर पॉलिटिकल अपीवल हुआ है, उस पॉलिटिकल अपीवल के चलते नई प्रेसिडेंट जो है वो पेरू में नियुक्त कर दी गई है, और ये जो प्रेसिडेंट है इनका क्या नाम है, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है पेरू की, शी इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। द करेक्ट आंसर हियर व्हिच हैज बीन गिवन बाय ट्रिकी फर्स्ट, ट्रिकी ने दिया है, उन्होंने आंसर दिया है बी, ट्रिकी का कहना है डीना बोलुआर्ते, रोहित ने स्किप कर दिया है। करेक्ट आंसर बिल्कुल ट्रिकी आपका सही है, डीना बोलुआर्ते इज द राइट आंसर। पेरू जो कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, सॉरी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है पेरू जो है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स कॉपर एक्सपोर्ट्स। पेरू जो है दुनिया के जितने भी कॉपर एक्सपोर्ट होते हैं उसमें अराउंड 60-70% जो कॉपर है वो पेरू और चिली, इन दो कंट्रीज से निकल कर आता है, और पेरू कॉपर की ट्रेड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर। और इसके साथ साथ पेरू एंडीज माउंटेन्स, यहाँ भी जो है वो पेरू के अंदर लाई करते हैं, और पेरू में एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स की, और इस कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स को डिरेल करके एक प्रेसिडेंट आए थे पेरू के अंदर, वो जो प्रेसिडेंट है उनका नाम था पेड्रो कास्टियो।
पेड्रो कास्टियो ही वाज अ लेफ्टिस्ट लीनिंग लीडर, वो प्रेसिडेंट थे पीरू के, लेकिन रिसेंटली उनपे आरोप लगा कि ही ट्राइड टू टेक कंट्रोल। पीरू के अंदर प्रेसिडेंट होते हैं और एक कांग्रेस होती है, ये कांग्रेस जो है इसमें बहुत सारे कंजर्वेटिव लीडर्स हैं, ये कंजर्वेटिव लीडर्स जो है वो लेफ्टिस्ट पेड्रो कास्टिलो के ऑपोजिशन में थे। तो हुआ क्या कि पेड्रो कास्टिलो को लगा कि देखो मेरी जो पॉलिसीज है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को डिसॉल्व कर दूंगा, जितने ये कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस है कांग्रेस के अंदर ये हमें नहीं चाहिए, और कम से कम आगे आने वाले 9-10 महीनों के लिए आई विल रूल बाय डिक्री, मैं अपनी मर्जी से जो है ये शासन चलाऊंगा। तो ऐसा उन्होंने ऑर्डर तो दिया था, लेकिन कांग्रेस ने एक इंपीचमेंट बिल पास करके उनको जो है उनकी प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया, आर्मी ने उनको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद जो है उनको जेल में डाल दिया गया, उनके उनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया जाएगा, और उनकी जगह उनकी जो फॉर्मर फॉलोअर थी डीना बोलवार्ते, शी इज अगेन बिलोंगिंग टू द पार्टी ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट, इनको जो है अपॉइंट कर दिया गया है एज द प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर? अर्लियर यस, अर्लियर शी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट, और इसी वजह से वो प्रेसिडेंट बन गई क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे उनको हटा दिया गया, इम्पीच हो गए हैं, तो रूल्स के हिसाब से जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में बाहरी देशों से आने वाला जो फाइनेंस है इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? रेमिटेंस होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस होता है, या एक्सटर्नल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है? ट्रिकी म्यूजिकल फील, रोहित का आंसर है रेमिटेंस। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, रेमिटेंस इज द राइट आंसर, और मुझे उम्मीद है कि ये बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी आपको डेफिनेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। फॉर एफडीआई क्या होता है? एफडीआई होता है जब बाहर की किसी दूसरी कंट्री की कोई जो कंपनी है, कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, वो आपके देश के अंदर यानी इंडिया से बाहर का कोई जो कंपनी है, जैसे एप्पल है या गूगल है या ऐसी कोई दूसरी कंपनी है, वो इंडिया के अंदर डायरेक्टली कोई इकोनॉमिक इंटरप्राइज को सपोर्ट करे, उसमें इन्वेस्टमेंट डाले और वहां पर नया बिजनेस रन करने की कोशिश करे, तो वो बन जाती है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर आती है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ये यूजुअली वो असिस्टेंस होती है जो सरकार से सरकार को दी जाती है, यानी कि कल को पाकिस्तान में अगर फ्लड्स आ रहे हैं तो उन फ्लड्स को दूर करने के लिए अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, इंडिया की गवर्नमेंट, यूके की गवर्नमेंट कोई फंडिंग देती है, कोई एड देती है, तो वो होती है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। इसमें वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दी गई असिस्टेंस भी काम आ सकती है। ठीक है, ये लोन नहीं होते, ध्यान रखना, दिस इज नॉट लोन, दिस इज बेसिकली हेल्प, एड, असिस्टेंस। फिर आती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर जैसे भारत के स्टॉक्स में, भारत के एक्सचेंज मार्केट में, भारत की सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, दूसरी कंट्रीज के जो फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं, तो वो बन जाते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? जब बाहर रहने वाले लोग डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर करते हैं अपने कंट्री को वापस, तो वो बन जाती है रेमिटेंस। सो फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे लोग जो है वो बाहर गल्फ कॉर्पोरेशन यानी मिडल ईस्ट में जाकर के, यूरोप में जाकर के, यूके में जाकर के काम करते हैं, और वहां से जो भी वो मनी अर्न कर रहे हैं उसका एक पोर्शन भारत में वापस जो है वो भेजते हैं, तो दैट बिकम्स रेमिटेंस। और रेमिटेंस की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, इस रिपोर्ट का नाम क्या है? रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स। रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स, कि ग्लोबली इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, रिसेशन के खतरे बढ़ रहे हैं, फिर भी रेमिटेंस जो है वो बढ़ रही है, रेमिटेंस का जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया ने 2021 में $89 बिलियन के अराउंड जो है पैसा उन्होंने इंडिया ने रिसीव किया था बाहर रहने वाले ओवरसीज इंडियंस से, और अब 2022 में उम्मीद की जा रही है कि ये जो आंकड़ा है वो $100 बिलियन को टच कर लेगा, $100 बिलियन। ठीक है, $100 बिलियन वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस इंडिया के साथ अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें तो चाइना, मेक्सिको, चाइना, फिलीपींस और इजिप्ट, मेक्सिको, चाइना, फिलीपींस, इजिप्ट 60, 50, 40 बिलियन डॉलर के अराउंड जो है इनको पैसे मिल रहे हैं, जो इंडिया से काफी पीछे हैं। तो इंडिया इस मामले में काफी आगे निकला है, और जो लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ रेमिटेंस हैं वो है हमारी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज, यूएस एंड यूके। ठीक है, तो ये अपने आप में इंडिया के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये भी कहा गया है कि आगे आने वाले सालों में ये जो रेमिटेंस है वो थोड़ी कम हो सकती है। कम इसलिए हो सकती है क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज हैं उनमें जो एंटी माइग्रेंट बिहेवियर बढ़ रहा है, उसकी वजह से हो सकता है कि जो रेमिटेंसेस मिल रही हैं इंडियंस को वो आगे जाकर के थोड़ी कम हो। इसके अलावा इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो रही है दूसरी कंट्रीज के अंदर
उसकी वजह से भी दूसरी कंट्रीज के द्वारा, खासतौर पे यूएस, यूके, ईयू के द्वारा ये कोशिश की जाएगी कि मनी वहां से बाहर ना निकले और वहां इंडिया या चाइना के लोगों के द्वारा अर्न करके वापस दूसरी कंट्रीज में ना भेजी जाए। तो इस वजह से ये जो रेमिटेंस है आगे आने वाले साल में कम हो सकते हैं, ऐसा कहना है इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना जो फर्स्ट रैंकर है इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग ऑफ रेमिटेंसेज इन द वर्ल्ड वो इंडिया बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अप होमवर्क क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मैं छोड़कर यहां पर जा रहा हूं, दैट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है अबाउट द डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर गलत है। दिस असेसमेंट इज डन पीरियोडिकली बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। सेकेंड वन, इन 2022 टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज फॉर द कंट्री इज 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। सी ऑप्शन, इन 2022 40% असेसमेंट यूनिट्स हैव बीन कैटेगराइज्ड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड। ओवर एक्सप्लॉइटेड जो यूनिट्स हैं वो 40% यूनिट्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो ओवर एक्सप्लॉइटेड है। नेक्स्ट, स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज 60% फॉर द कंट्री एज अ होल। स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि कितना ग्राउंड वाटर हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं और कितना हम उसमें एक्चुअली निकाल रहे हैं, उसका रेशियो इज द स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो अगर 60% है इसका मतलब अगर हम 100 यूनिट ग्राउंड वाटर मैक्सिमम निकाल सकते हैं तो उसका 60% यूनिट जो है हम ऑलरेडी निकाल रहे हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ के बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको गलत लगती है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है। ध्यान से, अगर आंसर आपको अभी भी नहीं पता है तो आप जाइए थोड़ा सा सर्च करिए अबाउट डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। इसकी इंफॉर्मेशन आपको बहुत इजीली गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएगी और फिर जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग लिख के बताइए। ठीक है, सो इसी के साथ ये सेशन जो है मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसके साथ ही मुझे यहाँ पर दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।